assalam alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So in today's video we are going to discuss the first leading constitutional case of Pakistan which is Maulvi Tamizuddin case versus Federation of Pakistan. But before starting the discussion I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स the डिस्कशन फर्स्ट वी विल लुक into the introduction इंट्रोडक्शन ऑफ case. केस जैसा कि के हम सबको पता है द पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मेप ऑफ दी वर्ल्ड ऑन फोर्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन जब पाकिस्तान नाइनटीन फोटी सेवन में आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान का अपना कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था या प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अलोंग विद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन अमेंडमेंट लेकिन वो भी टेम्प्ररी कॉन्स्टिट्यूशन था इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था अब फर्स्ट टास्क तो यह आ गया पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद कि पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए सो so, इस मकसद के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली फ्रेम की गई थी जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी और इस को दो टास्क दिए गए थे सबसे पहला टास्क ये था कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली विल सर्व एज द फेडरल लेजिस्लेचर एंड सेकेंडली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क था वो था ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था सो ये था इस केस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि हमने देखा अब ये इंट्रोडक्शन क्यों दिया गया क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की हमने सारी बात की ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के साथ टोटली रेलिवेंट है ये लिंक कर रहा है इस केस के साथ सो अब हम चलते हैं केस के बैकग्राउंड की तरफ कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की रिजोलूशन कैसे हुई थी अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को ये टास्क दिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी कंट्री के लिए तो उस वक्त नाइनटीन फिफ्टी थ्री में जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वॉज़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन और उस वक्त गवर्नर के गवर्नर जनरल यानी कि अगर हम आज की ज़ुबान में कहेंगे कि उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे सो so उस वक्त के प्रेसिडेंट थे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद तो ये थे उस वक्त कंट्री के प्रेसिडेंट। अब क्या होता है कि ये केस शुरू कहाँ से होता है कि जो हमारे पास इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था यानी कि जो 1935 का एक्ट था उसके आर्टिकल टेन आर्टिकल टेन ऑफ 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल के पास यानी कि मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के पास ये पावर थी कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये पावर थी उनको ऑथराइज किया गया हुआ था सो अब जब ये पावर थी कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं सो उन्होंने अपनी इस पावर का यूज करते हुए फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन को डिसमिस कर दिया अब जैसे ही ख्वाजा निज़ामुद्दीन का डिसमिसल हुआ तो एक न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया मलिक गुलाम मोहम्मद की तरफ से जो कि कौन थे मोहम्मद अली मोहम्मद अली बोगरा वज एट दैट टाइम वर्किंग एज़ अ डिप्लोमेटिक रिप्रजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यू एस ए ठीक है वो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएसए के अंदर अब जैसे ही मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको ये खदशा लाक हुआ ही वॉज नेचुरहेंसिव ऑफ़ द पॉसिबल रिपीटिशन ऑफ मिस यूज़ ऑफ पावर बाई द गवर्नर जनरल तो उनको ये ख़दशा हुआ उनको ये खौफ हुआ कि अगर गवर्नर जनरल अपनी इस पावर को आर्टिकल टेन के अकॉर्डिंग अगर अपनी इस पावर को यूज़ करते हुए मौलवी सॉरी ख्वाजा निज़ामुद्दीन को डिसमिस कर सकता है तो वो मुझे भी डिसमिस कर सकता है ये था उनको ख़दशा था तो फिर क्या किया मोहम्मद अली बोकरा ने जैसे ही वो उन्होंने अपनी ऑफिस हेल्ड किया तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम 1935 के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की और सबसे पहली अमेंडमेंट उन्होंने क्या की कि उन्होंने आर्टिकल 10 को ही रिपील कर दिया आर्टिकल 10 को ही ख़त्म कर दिया यानी कि अब इस आर्टिकल के ख़त्म होने के बाद अब गवर्नर जनरल के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सके सेकेंडली उन्होंने एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराया आर्टिकल 223 ए इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आर्टिकल 223 ए ने क्या किया रिट जुरिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट को इस्टैब्लिश किया कोर्ट के दायरे इख्तियार को इस्टबलिश किया उसके बाद क्या हुआ कि अब उस वक्त की एक कन्वेंशन थी कि जो भी जो बिल होगा जो भी बिल के अंदर जितनी भी किस्म की अमेंडमेंट्स होंगी या जितना भी बिल का अप्रूवल होगा वो क्या होगा आ, उस पर गवर्नर जनरल की एसेंट जरूरी है तो अब चूंकि मोहम्मद अली बोगरा ने तो ये दो अमेंडमेंट्स करते वक्त गवर्नर जनरल की एसेंट को नहीं देखा था उन्होंने इस पर गवर्नर जनरल की रजामंदी नहीं ली थी बल्कि अपनी तरह से अमेंडमेंट कर दी थी तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कुछ कंट्रोवर्सीज होगी उनके दरमियान इख्तलाफा पैदा हो गए अब इन इख्लाफा की वजह से जो कि गवर्नर जनरल और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के दरमियान पैदा हुए यानी कि प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो इख्लाफा पैदा हुए तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट इसम्बली को ही डिजोल्व कर दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ख़त्म कर दी तो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कब ख़त्म की उन्होंने ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी फोर को कॉन्स्टिट्यूंट इसम्बली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की डिजोलूशन होगी उसको ख़त्म कर दिया जिसका बेसिक टास्क क्या था कि वो कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी अब जैसे ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का डिसोल्यूशन हुआ तो यहाँ से मौलवी तमीज़ुद्दीन के ये जो नाम है ना मौलवी तमीजुद्दीन अब यहाँ से आपको समझ आएगा मौलवी तमीजुद्दीन कौन थे वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के प्रेजिडेंट थे अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली डिजोल्व हुई तो ऑब्वियसली उनकी प्रेजिडेंटशिप भी खत्म हो गई तो मौलवी तमीजुद्दीन ने क्या किया कि उन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर इस डिजोल्यूशन को चैलेंज किया अच्छा अब जैसे ही मलिक्लाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यून असम्बली को, को डिसॉल्व किया था तो उसके साथ ही उन्होंने एक न्यू कैबिनेट भी फ्रेम की थी नई काबीना बनाई जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी विल के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था अब आ जाते हैं केस की तरफ क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे मौलवी तमीज़ुद्दीन कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली के उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और उन्होंने दो रिट पिटिशन्स फाइल की कौन कौन सी रिट रिटपिटिशन थी फर्स्ट आती है हमारे पास रिट ऑफ मैंडेमस एंड सेकेंडली रिट ऑफ कोवरेंटो ये दो रिट रिटपटिशन फाइल की थी अब इन दोनों रिट रिटपटिशन का मकसद क्या था मैंडेमस की रिट रिटपटिशन क्यों फ़ाइल की थी मैंडेमस की रिट रिटपटिशन इसलिए फ़ाइल की थी उन्होंने ये कहा कि टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्राम इंटरफेयरिंग इन टू दी अफेयर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली के गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन किया जाए गवर्नमेंट को रोका जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली के मामलों में मुदाखलत ना करें और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को बहाल कर दो सेकेंडली रिट ऑफ कोवरेंटो नाम से ही जाहिर है अंडर वट अथॉरिटी तो रिट ऑफ कोवरेंटो का मकसद ये था कि न्यू असम्बलीज वर्किंग अंडर वट अथॉरिटी किस अथॉरिटी के तहत जो है वो न्यू असम्बली काम कर रही है अब ये रिट पिटिशन फाइल हुई थी सिंध चीफ कोर्ट में तो सिंध चीफ कोर्ट ने इस के बाद अपना डिसीजन क्या दिया द फुल बेंच ऑफ चीफ कोर्ट ऑफ सिंध डिसाइडेड यूनानिमसली यूनैमसलीट द गवर्नर जनरल हैड नो पावर टू डिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने यह कहा कि गवर्नर जनरल के पास तो ये पावर ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिसमिस कर सके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली एक सॉवरन बॉडी है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट कर सके और ये उस वक्त तक काम करेगी जब तक कि ये पर्पस एकम्प्लिश नहीं हो जाता और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के डिजोल्यूशन के लिए उनके अपने मेम्बर्स की टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए तभी कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली जो है वो डिजोल्व होगी और इसके साथ ही सिंध चीफ़ कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट कर दिया और ये कहा कि जो अमेंडमेंट्स मोहम्मद अली बोगरा ने की हैं वो टोटली वैलिड हैं और गवर्नर जनरल की एसेंट ज़रूरी नहीं है हर किस्म की अमेंडमेंट के लिए यानी कि सिंध चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला दे दिया था अब केस खत्म नहीं होता इसके बाद इस डिसीजन के ऊपर एक अपील होती है और वो अपील कौन करती है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड सर्टेन अदर फेडरल मिनिस्टर्स हु वर अफेक्टेड बाय दिस जजमेंट दे वेंट इन अपील अगेंस्ट ऑफ चीफ कोर्ट ऑफ सिंध उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया कहाँ पर चैलेंज किया उन्होंने फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आज की बात करें तो फेडरल कोर्ट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही थी जो कि एपेक्स जुडिशरी थी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी अब जैसे ही फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील गई तो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उसके फुल बेंच ने जब काउंसिल ऑफ पार्टीज को सुना तो सबसे पहले उन्होंने सिंध चीफ कोर्ट के फ़ैसले को रिजेक्ट कर दिया यानी कि जो फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में हुआ था सबसे पहले तो उसकी रिजेक्शन हुई और इसके साथ ही फेडरल कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर जनरल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन देर एवरी एक्ट पास्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिक्वायर्ड एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल यानी कि जो दोनों अमेंडमेंट्स हुई थी जो मोहम्मद अली बोगरा ने की थी उन पर चूँकि गवर्नर जनरल ने अपनी एसेंट नहीं दी गवर्नर जनरल ने उन अमेंडमेंट्स को रेटिफाई नहीं किया सो वो दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं वो इनवैलिड हैं तो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन दोनों अमेंडमेंट्स को वॉइड करार दे दिया यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किसके हक में दिया गवर्नर जनरल के हक में दिया ये था मौलवी तमीजुद्दीन का पूरा का पूरा केस आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है सो so आपको इसकी बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक ये लेक्चर फुली डिलीवर कर सकूँ तो आई होप के ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें कॉमेंट्स में अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्ला हाफिज़